आज से लगभग 100 साल बाद मतलब 2123 में सभी को हमारे परिवारों और दोस्तों के साथ दफनाया जाएगा। हमारे घरों में अजनबी लोग रहेंगे जिन्हें बनाने में हमने बहुत मेहनत की है, और आज हमारे पास जो कुछ भी है उसका मालिक कोई और होगा। हमारी अधिकांश संपत्ति या तो दे दी जाएगी या फेंक दी जाएगी और नष्ट कर दी जाएगी, जिसमें वह कार भी शामिल है जिस पर हमने बहुत खर्च किया था और संभवतः नष्ट कर दिया जाएगा। हमारे वंशज शायद ही जानते होंगे कि हम कौन हैं, और न ही वे हमें याद रखेंगे। मरने के बाद हमें कुछ और वर्षों तक याद किया जाएगा, और फिर हम किसी की दीवार पर बस एक चित्र बनकर रह जाएंगे, और कुछ दशकों बाद हमारे इतिहास की तस्वीरें और कार्य जीवन के इतिहास में गायब हो जाते हैं। हम याद भी नहीं रहेंगे। अगर हम इन सवालों का विश्लेषण करने के लिए एक दिन रुकें, तो शायद हम समझ पाएंगे कि हमारे लिए उन 95% चीजों के बारे में चिंता करना कितना व्यर्थ है जो हमारे दिमाग को रोजाना खाती है। यदि हम शीघ्र ही इस बारे में सोच सकें, तो हमारे दृष्टिकोण, हमारे विचार बदल जाएंगे और हम चीजों को अलग तरीके से करेंगे। शायद हम अपना और अपने जीवन का आनंद लेने के लिए अधिक स्वतंत्र महसूस करेंगे जो हम जी रहे हैं। इस सप्ताह, इस वर्ष, अपने शेष दिन में इन विचारों को शामिल करें और इस कहावत को याद रखें कि यदि 5 वर्षों में इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इससे परेशान होने में 5 मिनट से अधिक समय न बिताएं। अगर इस वीडियो ने आपकी किसी भी तरह से मदद की है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।